हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये। योगी आदित्यनाथ जी ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी रखा है, जल्दी से जल्दी काम शुरू करने के लिए भी कहा है। तो इस न्यूज़ में मैं बताने वाला हूँ आपको, वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा वाराणसी, 6 घंटे में तय होगा दिल्ली से प्रयागराज का सफ़र। तो जी मीडिया ब्यूरो से ये न्यूज़ आ रही है, सैटरडे 20 जून 2020 को, देख लीजिए, कोई फेक नहीं है, एकदम से रियल न्यूज़ है ये। तो इसके बाद सीएम योगी ने कहा, एक्सप्रेसवे को भविष्य में वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल से जोड़ने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के कार्य की प्रगति जानने के लिए अपने आवास पर ही यूपीडा के साथ बैठक की। सीएम ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। देख लीजिए, यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, ताकि सड़क के लिए निर्माण का काम भी इस साल के अंत तक शुरू किया जा सके। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस साल के अंत तक काम शुरू हो जाएगा, तो देख लीजिए योगी आदित्यनाथ जी ने भी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं और न्यूनतम रखने के लिए प्रारंभ से ही उपाय किए जाएँ। उसके बाद वाराणसी से जोड़ने की संभावना पर विचार। सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे को भविष्य में वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल से जोड़ने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा है। इस प्रोजेक्ट पर यूपीडा की ओर से किए गए प्रोजेक्ट के दौरान सीएम ने परियोजना के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति के सभी विकल्पों पर विचार करते हुए हफ्ते भर में ठोस प्रस्ताव पेश करने को कहा है। इसके बाद परियोजना में गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। सीएम का कहना है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अनुभवी और कुशल प्रोफेशनल नियुक्त किया जाए। परियोजना के आसपास के क्षेत्रों को औद्योगिक विकास और व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से पहले ही चिन्हित कर लिया जाए। सड़क सुरक्षा के लिहाज से एक्सप्रेसवे पर 15 मीटर चौड़ाई का डिप्रेस्ड मीडियम भी प्रस्तावित किया गया है। यात्रियों की सुविधा एवं सड़क सुरक्षा के लिए एक्सप्रेसवे पर हर 50 किलोमीटर पर वे साइड एमिनिटीज और टॉयलेट ब्लॉक का भी प्रावधान रखा गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली प्रयागराज की सड़क मार्ग से यात्रा महज 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है, कोई फेक नहीं है, एकदम से रियल न्यूज़ है, आप देख सकते हैं 20 जून 2020 की न्यूज़ है, जी मीडिया ब्यूरो से न्यूज़ आ रही है, तो कोई फेक न्यूज़ नहीं है, एकदम से रियल न्यूज़ है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।